71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम। सरकार रेलवे समेत अन्य विभागों में करेगी 8,00,000 नियुक्तियां। सीमा पर शांति होगी तभी चीन से बेहतर होंगे संबंध। विदेश मंत्रियों की मीटिंग से पहले बोला भारत। बैसाखी पर सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। पंजाब में हाई अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। आज यूपी के आजमगढ़ दौरे पर अमित शाह। 2,567 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह का यूपी दौरा, कौशाम्बी में 2 घंटे रहेंगे गृह मंत्री। कड़ाधाम में पूजा कर 612 करोड़ योजनाओं को देंगे सौगात। नई नीति को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा। बुनकरों के छोटे उद्योग समाप्त करना चाहती है भाजपा। आखिर कैसे हटेगा कूड़े का पहाड़। केजरीवाल काम की सुस्त रफ्तार से नाराज। अधिकारियों को 15 दिन का दिया समय। पुरुष की जान बचाने वाली भारतीय महिला को जापान ने किया सम्मानित। पीएम मोदी ने जताई खुशी। शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल किया दूसरा पूरक आरोप पत्र। नहीं है सिसोदिया का नाम। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की याचिका। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।